हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी मंत्रा। तो वीडियो रिएक्शन वीडियो है, मम्मू की दुनिया के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। सबसे पहले बात यह है कि लोग पूछेंगे ना कि क्या हुआ था, तो उनका लिगामेंट टियर की वाली जो इशू थी पैर में उनके, तो जिस वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, शायद पहले 1 तारीख के बाद कहा था, उसके बाद जो है अभी अर्जेंट बेसिस पे उनका ऑपरेशन करना पड़ा। तो काफ़ी अच्छे से वो डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया कि इतनी खुशदिल पेशेंट पहली बार देखी है, और वो है भी खुशदिल पेशेंट, इसीलिए वो सबको पसंद है, हम लोग को भी वो काफ़ी पसंद है। कुछ कुछ हम लोग भी रिलेट कर पाते हैं, हम उनको इसीलिए सपोर्ट करते हैं। एज अ पेरेंट हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको अपने को उनकी जगह रख के देखते हैं, तो सपोर्ट करते हैं। और हम लखनीत को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि लखन नीतु को भी सपोर्ट करते हैं। वो लोग एक फैमिली है, छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, हर फैमिली में हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है वो अलग है। तो हम सबसे पहले तो लखनीत व्लॉग्स ही देखते थे, उसके बाद ही बम्मू पाई को देखने लगे, लेकिन हम लोग दोनों को पसंद करते हैं। तो इसीलिए कई बार हमको कमेंट्स भी आते हैं कि आप किसको सपोर्ट करती हैं, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। जहां जो गलत होता है उस चीज़ को हम पॉइंट आउट करके बता देते हैं कि ये चीज़ थी देखने में नहीं सही लगी है, या व्लॉग्स के थ्रू ये चीज़ नहीं अच्छी लगी है। बाकी जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, सारे लोग इमोशनल थे, और हम लोग को भी देख के लग रहा था जल्दी जब वो ऑपरेशन होके आई हैं, या ऑपरेशन के बाद भी वो काफ़ी नॉर्मल है, और सबसे फिर वो धीरे धीरे बात भी कर रही हैं। ये उनके फैंस के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। जो लोग उनको पसंद करते हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब ऑपरेशन हो, कब ऑपरेशन हो, कब वो सही हो जाए, तो उनका ऑपरेशन इसीलिए करा दिया गया है। और जल्द वो कह रही हैं कि वो फिर से रील्स में और व्लॉग्स में नाचते गाते और हंसते खेलते आपको कूदते फांदते दिखेंगी। मैं अपने को उनसे इसीलिए रिलेट कर पाती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत वैसी हूँ, कूदती फांदती में हंसते अब क्या है ना। तो अच्छा, फिर उनके हस्बैंड पाई का एक कमेंट, अर्जुन सिंह रावत के अकाउंट से उनके में एक कमेंट पिन देखा कि लखन भी आया था और हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो अपनी माँ के पास सारी रात रुका है, बहुत अच्छा बेटा है, और सचमुच बहुत अच्छा बेटा है, जैसे अच्छे माँ बाप हैं वैसे ही अच्छा उनका ये बेटा है। परवरिश भी हम लोग को देख के ही समझ में आता है कि अच्छी है। अब तो हर घर में यह थोड़ी बहुत मनमुटाव या कुछ भी अगर आप लोग कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी हुई, तो कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत हुई, उसको खींच खाच के बड़ा कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब बाकी सब ठीक है, हमारे घर में सब कुछ एक है, सब एक है, ये सबसे बड़ी बात है। लिटरली सबको यही देख के सबसे बड़ा खुशी की लगी, और ऊपर से नीचे तक सिर्फ कमेंट्स यही थे कि आप लोग एक हैं, इसी से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, पूरी फैमिली को एक देख के हम लोग को भी बहुत खुशी हुई। उनके पूरा पोस्ट हम लोगों ने देखा इस यूट्यूब पे कि ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुली, और मैं दिल्ली में हॉस्पिटल से लाइव आ रही हूँ। लेकिन फिर शाम को अभी कुछ देर पहले की एक पोस्ट देखी कि डॉक्टर एज पर डॉक्टर एडवाइस आज नहीं आएंगी, कल वो आएंगी शाम को 7 बजे लाइव। तो फ्रेंड्स, उनके लाइव होने का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन लखनीत फैमिली को, रावत फैमिली को, कि ऑपरेशन जो है वो बिना किसी उसके परेशानी के एकदम सक्सेसफुली आराम से हो गया है, जल्द दिखे भाई। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं। इस वीडियो में आपको आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कौन कौन देखता है बम्मू को और लखन को ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग की राय ना समझ में आए कि क्या लिखें, तो कम से कम ये बता दीजिएगा कि आप लोग लखनीत को देखते हैं कि बम्मू को, बम्मू की दुनिया देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे जल्द मिलते हैं। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।